हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, किशन से संबंधित वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। वैल्यू क्या बनेगी? 0.3333, मतलब ये कंटिन्यूसली हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 की बार लिख सकते हैं। तो पेपर में ऐसी क्वेश्चन आता है कि मैंने लिखा इफ एक्स इक्वल टू है 0.3 की बार के, तो राइट इट इसको पी क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर x हमारे किसके इक्वल है 0.3 की बार के, तो बताओ हम इसको पी क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो पहले इसका हम बेसिक जानते हैं, पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। देखो हमें पता है x की वैल्यू किसके इक्वल है 0.3 की बार के। अगर मैं इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3.3 की बार हो जाएगा दोस्तों। अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 3 इधर आ जाएगा और ये 3 की बार हो जाएगा और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब इसको मैंने सॉल्व करा तो 10x में से जब x गया तो कितना बचा 9x बचा। अब जब 3 पॉइंट में से 3 की बार कैंसिल करूंगा तो 3 बार तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3/9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम स्कूल में करते आए हैं, ठीक है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक कैसे बन पाएगी, तो याद ध्यान से समझ जा। पहले तो हमने पूरी की पूरी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, और जिनके ऊपर बार नहीं दे रखा ना वो वैल्यू हमें कैंसिल लेस करनी होती है। जैसे किसके ऊपर बार नहीं दे रखा, जीरो के ऊपर, तो इसमें से वैल्यू कौन सी लेस होगी, जीरो लेस हो जाएगी। और जितने के ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है उसके ऊपर क्या आ जाता है 9 आ जाता है। कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू है, पूरी वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख देनी है, और हमने क्या लेस करना है जिनके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, जीरो के ऊपर, तो मैंने क्या करा माइनस जीरो कर दिया। और ये दे रखा है 3 के ऊपर बार दे रखी है, ठीक है, 1 के ऊपर बार है तो नीचे कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 3/9, और आंसर कितना आ जाएगा 1/3। कोई डाउट है यहाँ पर? देखो पहले तो इसका बेसिक समझते हैं, दोबारा रिपीट करूँ, मैंने बोला x की वैल्यू किसके इक्वल थी 0.3 की बार के, तो मैंने बोला राइट इट इन पी क्यू की फॉर्म में इसको लिखो। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू 0.3 की बार हो गई, ठीक है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 10 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 इधर आ जाएगा, फिर आगे कितना बचेगा 0.3 की बार, बचेगा नहीं बचेगा। अब इसमें से जब ये वैल्यू लेस करूंगा 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा कितना 3 ही बचेगा, और ये 3 की बार तो पूरा कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9x बचा। तो इसी तरह से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/3। तो इसका कहने का मतलब है 1/3 लिख लो या 0.3 की बार लिख लो, बात क्या होगी सेम होगी। इसी वैल्यू को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, पी क्यू की फॉर्म में लिख दिया। बताओ, देखो इस क्वेश्चन के एक पैटर्न को समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखो पहले मैंने क्या बताया था, पहले पूरी वैल्यू लिख लेंगे हम 4, 5, 2, जितने के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है 0, 5, 4, 5 के ऊपर, तो सीधा -4, 5 लिख दूं, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमने देखा इसके अंदर बार किसके ऊपर लगा हुआ है 2 के ऊपर, तो 1/9 आ जाएगा। और कोई डाउट है यहां पर, 1 के ऊपर बारता था 1/9 आ गया, अब 4, 5 बचा, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे 2, 0 लिख देंगे। कोई डाउट है यहाँ पर, आ रहा है समझ? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। पहले हम क्या करेंगे, ये 3
74, पूरी वैल्यू हमने लिख दी एज इट इज। बार कितने के ऊपर नहीं था, 37 के ऊपर, तो माइनस कितना करूंगा, 37 करूंगा, और बार कितने के ऊपर है, एक के ऊपर, तो एक 9 आ जाएगा। और इधर कितने संख्या दे रखी है, पॉइंट से इधर की संख्या देखनी है हमने, कितनी दे रखी है, 2, तो हम कितने 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे, निकल गया आंसर सब हो गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 5214। माइनस करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि इधर 0 दे रखा है, तो नीचे कितना रहेंगे, 4 9 आ जाएंगे। और इसका कितना आएगा, 343, इसका कितना रहेगा, 8 9, इसका क्या निकलेगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 12 4 5 माइनस 12, और बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, 99। और इसका कितना बनना आंसर, देखो पॉइंट के इधर की वैल्यू देखनी है, अभी एक ने बोला 0 की बात, देखो 0 पता है कब आएगा, जब इधर पॉइंट के इधर के ऊपर बार नहीं होगा, जैसे इनके ऊपर 2 के ऊपर बार नहीं था, तो मैंने नीचे कितने 0 लगा दिए, 2 0 लगा दिए, इधर क्या देखा था, पॉइंट के इधर, पॉइंट के राइट साइड की वैल्यू देखनी है, इनके ऊपर बार नहीं था तो 2 0 लगा दिए, और एक के ऊपर बार था तो हमारा कितना आ गया, 1 9 आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। इसके ऊपर 4 5 है और इधर पॉइंट के आगे कोई खाली वैल्यू नहीं दे रखी, आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर ये वैल्यू ऐसे गिवन होती 12.045 की बार, बात आ रही है समझ में, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते, हम क्या करते, 12045 माइनस में क्या करते, माइनस क्या करते, जिनके ऊपर बार नहीं है 12 करते, अब इधर 4 5 के ऊपर बार दे रखा है तो कितने 9 आ जाएंगे, 2 आ गए, और एक इधर क्या दे रखा है, 0, तो ये इसका आंसर निकल आता। कोई डाउट है यहां पर, इसका आंसर क्या निकलेगा, 979। जिनके ऊपर बार नहीं है वो चीज हमें लेस करनी होती है, जैसे 9 के ऊपर बार नहीं था तो हमने क्या कर दिया, -9। कोई डाउट यहां पर, अब बचे 79, इनके ऊपर हमारा क्या दे रखा है, बार दे रखा है, तो कितने कितने 9 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या निकला, 8 3 2 3 4 9। जिनके ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या करनी होती है, लेस, वो डिजिट से क्या करनी होती है, लेस। ये 8 3 2 3 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 8 3 2 3 ये माइनस कर देंगे। कोई डाउट यहां पर, जिनके ऊपर बार नहीं था वो संख्या मैंने क्या कर दी, लेस कर दी। अब कितने के ऊपर बार है, 4 9 के ऊपर, तो हमने लिख दिया 9 9, और इसके आगे संख्या 2 दे रखी थी तो कितने 0 आ जाएंगे, 2 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 247 माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 99, प्लस में ये कितना आ गया, 353, माइनस क्या करेंगे, 3, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए, तो 05 है तो कितने 0 आ जाएंगे, कितने 9 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करा तो हमारे कितना आया, 2 4 5 9 9। इसको ऐड करके कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, 250 हो गया, अपॉन में कितना आ गया, दिस इज आंसर। और एक चीज और ध्यान देना, जैसे अगर कोई वैल्यू आपस में बाई चांस कट रही है तो मत काटना, पता है कि रीजन ये है क्योंकि नीचे वैल्यू ऑलरेडी सेम दे रखी है, बात आ रही है, फिर काटोगे फिर उसका एलसीएम लोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसमें सेम ही पैटर्न बन रहा है सबों का, डिनोमिनेटर सेम है तो काटने की कोई नीड नहीं है, ताकि ऐड करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो ये कितना रहेगा,
अपॉन में कितना गया 99। ठीक है आया 20/11। की बार आंसर है इसका। इन दोनों में फर्क क्या है पहले बताओ, इन दोनों के अंदर फर्क है, फॉर्मूले के अंदर फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। देखो फिर बिल्कुल सही बोला, देखो इनमें ना आंसर जो मैच करेगा ना दोनों का सेम करेगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक चीज की दिक्कत है, इसमें क्या है जो पहले वाले की बात हो रही है इसके अंदर ए की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन बी है, जो ए है ना हमारा बड़ा है बी से, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। ऐसी b प्लस ए के होल स्क्वायर की बात करूं, इधर ध्यान दो, इधर b प्लस ए के होल स्क्वायर की बात करूं इसके अंदर b की वैल्यू क्या है बड़ी है, तो क्या होता है देखो आंसर तो सेम आता है लेकिन प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है जब बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन दे रखी होती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों का जो आंसर निकलता है वो तो सेम निकलता है लेकिन इसके अंदर क्या है पहले वाले के अंदर a की वैल्यू ग्रेटर देन है b से, इसके अंदर b की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे a से। तो इसके अंदर हम ध्यान से देखेंगे ना तो इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा 1 का स्क्वायर, बात आ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना 1 से छोटी है, जो b की वैल्यू है ना वो छोटी है, तो इसलिए मैं पहले 1 का स्क्वायर लिख रहा हूं और फिर मैं क्या लिखूंगा प्लस 2 का होल स्क्वायर और कितना बचा माइनस 2 इंटू 1 इंटू, कोई दिक्कत है यहां पर? मैंने इसके अंदर 1 को पहले लिखा है, रीजन ये था क्योंकि 1 ग्रेटर देन था किससे इससे, इस वैल्यू से ग्रेटर है वो, कोई डाउट है यहां पर? अब इसकी जब हम फॉर्म आगे कितना दे रखा था प्लस 3a दे रखा था, आ रहे समझ? ठीक है आगे प्लस 3a दे रखा था, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर आ गया और बाहर कितना दे रखा था प्लस 3a दे रखा था, कोई डाउट यहां पर? अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा आपस में, इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस 2a प्लस 3a, तो इसको लेस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी निकली 1 प्लस a, 3a में से 2a चला जाएगा तो बचेगा कितना a बचेगा और a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 0.1, तो आंसर कितना रहेगा मैं दोबारा इसमें रिपीट करो क्योंकि इसमें ए की वैल्यू थी ना एक जो ग्रेटर देन था वो बी से था, इसलिए एक मैंने पहले लिखा है और इसको मैंने क्या लिखा है बाद में लिखा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसके अंदर आपको डिफरेंस क्या बताया, देखो इन दोनों का आंसर तो सेम निकलेगा, अगर इसका आंसर सो निकल रहा है ना तो इसका भी आंसर सो ही निकलेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज थी, मैंने बोला ए को मैंने पहले लिखा है तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन क्या है बी है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा बी पहले लिखा है, बी पहले लिखा है इसके मतलब क्या बी ग्रेटर देन किससे है ए से। ठीक है अब जब इन दोनों वैल्यू में हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, क्योंकि ए की वैल्यू दे रखी है 0.1039, इसका जब तुम होल स्क्वायर करोगे ना तो ये वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 2 को अगर 0.5 से गुना करोगे तो संख्या बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगी? कम होगी ना, क्योंकि 0.5 दे रखा है
वैल्यू घटती चली जाएगी, ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 बाई 2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरह से 1 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 0.1039 से, तो ये वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी ना। तो यही रीजन था, जो ये वैल्यू है ना, जो ये वैल्यू है वो छोटी है किससे, 1 से। एनी डाउट, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और लिखा 1, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू डाल दी अपनी मर्जी से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या सर, आपने ऐसे क्यों बोल दिया इसको? जब तक ये वैल्यू मैं किसी के इक्वल नहीं मान लूं, जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम नहीं लेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा आराम से समझना। देख मेरे दोस्त, अगर मैंने इसकी वैल्यू ऐसे लिख दी ना, तो मैं आंसर निकाल ही नहीं सकता। क्या निकलेगी एक्स की वैल्यू, बता सकते हो? ये वैल्यू किसी के इक्वल ही नहीं है, तो कहां से आंसर निकल जाएगा? मैं तो कुछ भी पुट कर सकता हूं, 1, 2, 3 जो मर्जी आप पुट कर सकता हूं। ये अभी इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, ये पॉलीनोमियल है, बात आ रही है। जब तक ये किसी के इक्वलेंट नहीं हो जाती ना, तब तक हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, इक्वेशन। बात आ रही है समझ कि मैं क्या समझा रहा हूं? अब मैंने इसको वैसे फैक्टर बना के चेक तो नहीं करा, लेकिन हाँ, अगर दो वैल्यू आपस में रिपीट हो रही होगी तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। यही होता है ना रूट के अंदर। अगर मैंने मान लिया कि अगर इधर आंसर निकल रहा होता, इसका लिख दिया x माइनस 1 और इसका भी क्या लिख दिया, x माइनस 1, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इस चीज को डिफरेंस ध्यान से करना, ये जो अभी है ना, ये वैल्यू पॉलीनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। ये जब तक कोई वैल्यू किसी के इक्वल नहीं होती ना, तब तक वो इक्वेशन नहीं कहलाई जा सकती। बात आ रही है, इधर x की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आंसर, लेकिन इसके अंदर तुम कुछ भी पुट नहीं कर सकते। हाँ, पुट कर सकते हो, अगर एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। तो डिफरेंस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और पॉलीनोमियल में। इक्वेशन जब तक नहीं बन सकती जब तक वो किसी के इक्वल नहीं है, बात आ रही है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई, बता इसका आंसर निकाल सकते हो क्या? निकाल ही नहीं सकते। मैं अब इसके अंदर लिख दिया 5, अब बताओ आंसर निकाल सकते हो? एज्यूम कर सकते हो आंसर तो कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला 1 होगा, इसका 4 होगा, तो ये तो सब प्रूव कर रहा है, 2 कर रहा है और ये 3, तो कुछ भी हो सकता है। इसके ना 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, किसके वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं? एक हिंट हमें और होगा, जैसे मैंने बोल दिया एक्स माइनस वाई किसके इक्वल था, 1 के। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी और y, सॉरी x की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी, और y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2, करके देख लेना। क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है, तो 2 हिंट होते हैं कि वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, और यही इक्वेशन कहलाती है। बात आ रही है समझ, क्या निकाल के दिखाऊं? ऐसी जब x प्लस वाई जेड आ जाता है ना, तो हमें 3 इक्वेशंस गिवन होती है आंसर निकालने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमें रूट 24 कहीं पर गिवन नहीं है, तो मैंने क्या करा, ये इक्वेशन दे रखी थी, मैंने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब हमारा ऊपर कितना बन गया, ये आ गया रूट 24 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 9 आ गया। ये रूट 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बचे कितना, कोई डाउट है यहाँ पर? अब रूट 24 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, हमें दे रखी थी 4.899, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से कटा कितना आ गया, 1 आ गया। अब कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ऑप्शन में देखो 6 कहां पर मिल रहा है, 1.6, तो आंसर आ जाएगा 1.633। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो हमें ना 24 की वैल्यू गिवन थी, रूट 24 की, तो किसी भी तरह से इधर कहीं ना वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, रूट 24 को कर रही होगी। तो मैंने क्या करा, इसको 24 बनाने के लिए क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे भी किससे करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई डाउट यहां तक? ये हमारा कितना बन गया, रूट 24 बन गया, और ये कितना बन गया, रूट 9 बन गया। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और रूट 24 की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, 4.89 गिवन थी, तो रूट 24 के बदले मैंने क्या लिख दिया, 4.899 लिख दिया, और डिवाइड किससे कर दिया, 3 से, तो 3 1 3 3 6 18, और 3 3 9 3 3 9, ठीक है। वैल्यू बहुत आसान दे रखी थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम चल सकते हैं, क्योंकि 1.6 हमें ऑलरेडी गिवन था, कोई डाउट तो नहीं?
इसके अंदर हमें वैल्यू किसकी गिवन है, रूट सिक्स की गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ इसको रूट सिक्स बनाना है किसी भी तरह से, तो मैं क्या कर रहा, थ्री रूट टू दे रखा था, इसको किससे गुना कर दिया, रूट थ्री से। अगर रूट थ्री से गुना करा तो नीचे भी किससे गुना करूंगा, रूट थ्री से गुना करूंगा, तो थ्री टू जाए कितना हो गया, सिक्स हो जाएगा, तो ये आ गया रूट सिक्स आ गया। और रूट थ्री कितना होता है, थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री। कोई डाउट है यहां पर, रूट थ्री कितना होता है, थ्री के इक्वल हो जाएगा, तो ये थ्री से थ्री कट गया। और रूट सिक्स की वैल्यू में कितनी की बनती, 2.449 और कितनी नीचे दे रखा था 2, तो काट लो ये कितना आ गया 1.2245, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो रूट दे रखा है ना कहीं ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जो ये वैल्यू होगी ना हमारी 2ab की होगी, क्योंकि जब हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किया होगा तो ये दोनों चीजें संख्या क्या हो गई होंगी, एड हो गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये वैल्यू हमें किसकी दे रखी है, 2ab की, हमने सोचा कि 2ab की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचे कितना, ab की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2√3 आ गई। अब हमें इस तरह से इसको स्प्लिट करना है कि जो ऐड करेंगे ना हम, इसको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2√3 आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √4 लिख सकता हूँ, 2 को क्या लिख दिया मैंने, √4 लिख दिया, और ये कितना आ गया, √3। कोई डाउट है यहां पर। अब इसी तरह से मैंने इसको एक फॉर्मूला बना दिया, किसका बना दिया, ये बन गया √4 का होल स्क्वायर प्लस कितना, √3 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, प्लस, प्लस का निशान दे रखा है ना, प्लस 2 इंटू √4 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये तो 2 के इक्वल ही होगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, √3। कोई डाउट है यहां पर, अभी हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व करके देख, आगे कितना दे रखा था, माइनस रूट थ्री, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, √4 प्लस √3 के होल स्क्वायर का, और बाहर दे रखा था हमें √3 दे रखा था, तो ये तो आपस में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, क्योंकि तो स्क्वायर है और ये रूट है, आपस में हो जाएंगे कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, √4 प्लस √3, और बाहर कितना दे रखा है, √3, तो √3 से √3 कटा, तो बचे कितना, √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द आंसर। सब इधर ध्यान दो, थोड़ा रैशनलाइज सीखते हम। देखो इसको हम जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या करते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कर हमने 1/√9 माइनस √7 इंटू में क्या कर दिया, √9, साइन चेंज कर देंगे, प्लस √7, और नीचे भी कितना आ गया, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर कितना है, √9 माइनस √7, और √9 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हम रैशनलाइज करते हैं, तो ये कितना आ गया, √9 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करते हैं हम रैशनलाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना, ऊपर वाली संख्या से क्या हो जाती है, संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, और नीचे क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब पेपर में इसको हमें अप्लाई कैसे करेंगे, हमें वैल्यू क्या गिवन थी, √9 माइनस √7। अब इसका हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, पहले तो नीचे इसका क्या लिख देंगे, डिफरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है, इन दोनों का हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है,
और ऊपर क्या दे रखा था 1, और इससे इसके साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? कोई डाउट है? नीचे फिर बोल रहा हूं, नीचे हमारा क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। देखो सब इधर ध्यान दो, ये वैल्यू हमें रूट में गिवन नहीं थी, तो पहले इसको रूट में कन्वर्ट कर दो। ये कितना हो जाएगा? रूट 25 लिख सकता हूँ इसको, 5 को, और माइनस कितना आ गया? रूट 24। मैंने आपको क्या बताया था? क्या लेते हैं नीचे? डिफरेंस आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ऊपर 1 दे रखा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली संख्या से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ऊपर 1 दे रखा था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 माइनस प्लस रूट 24। साइन जरूर चेंज कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ये घर पे ट्राई करके देखना जितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही।